हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके आया हूँ खेत में और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो धान की खेती है महाराष्ट्र में कैसे होती है। अभी बहुत ही ज़ोर की बारिश गिर रही है और पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूँ नदीम, लेट्स स्टार्ट। हम आ जाए हैं पुसाने गांव में, जो कि पुणे से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। जुलाई के महीने की बरसात के सीजन की एक भीगी भीगी सी सुबह है। बारिश के मौसम में जब पानी की बूंदें रहमत बनकर बरसती हैं तो पुसाने गांव पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। आप चाहें किसी भी दिशा में देखें, आपको सिर्फ हरियाली ही नज़र आती है। आज मैं अपने काफ़ी अच्छे दोस्त सोमनाथ और उनकी फैमिली के साथ चावल की जो फार्मिंग होती है वो करने के लिए आया हूँ। इसे रोपाई भी कहा जाता है। आइए अब मैं आपको खेत में लेके चलता हूँ, जहाँ पर इन धान के छोटे छोटे पौधों को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से खेत में लगाया जा रहा है। खेत के टोटल दो हिस्से हैं, एक में इन चावल के पौधों को तैयार किया जाता है और एक में लगाया जाता है। चावल के इन पौधों को लगाने का काम सोमनाथ और उसके परिवार वाले मिलकर कर रहे हैं। लगभग घुटने तक गीली मिट्टी से भरे हुए इस खेत में काम करना जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, वो भी तब जब बारिश गिर रही हो और ठंडी हवा बह रही हो। अभी मैं आपको खेत के दूसरे हिस्से में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर चावल के इन पौधों को तैयार किया जाता है। चावल के बीज को लगभग 40 दिन तक खेत के एक हिस्से में लगा दिया जाता है। देखने में ये बिल्कुल जंगली घास की तरह नजर आते हैं और काफी ही पास पास में लगे रहते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं और इन्हें लगाने का समय आ जाता है तो इन्हें बड़े ही नज़ाकत के साथ निकालकर गुच्छा बनाकर खेत के दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है। अभी सोमनाथ के परिवार वाले और पहचान वाले इन चावल के पौधों को निकालने में उनकी मदद कर रहे हैं। आइए सोमनाथ से सीखते हैं कि इन्हें निकाला कैसे जाता है। चावल के पौधों को जड़ से पकड़कर खींचा जाता है, फिर पानी में ही डुबो डुबो कर उनमें से मिट्टी को निकाल दिया जाता है। फिर उस गुच्छे में से सबसे मजबूत चावल के पौधे को लेकर उसकी पत्ती से उस गुच्छे को बांधा जाता है और तैयार हो जाता है ये दूसरे खेत में ले जाने के लिए। अब आइए चलते हैं खेत के दूसरे हिस्से में और देखते हैं कि इन्हें कैसे लगाया जाता है। खेत के दूसरे हिस्से में बहुत ही सिस्टमैटिक या नियमित तरीके से इन चावल के पौधों को लगाया जा रहा है। ये राइस फार्मिंग का दूसरा स्टेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजी, जिसका मतलब हिंदी में दादी होता है, वो भी यहाँ पर खेती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने तो बड़ी तेज़ी से काफ़ी सारे पौधों को खेत पे लगा दिया है और बस देखते ही देखते इस खेत में चावल के पौधे पूरी तरह लग चुके हैं। सोमनाथ के खेत के बगल में बैल को यूज़ करके धान की खेती की जा रही है। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। मैंने सोचा मैं भी लगा के देखूँ जरा आखिर लगता कैसे। पहले बहुत पहले किया था जब गांव में था मैं, अब तो उसकी यादें भी काफ़ी धुंधली हो चुकी है। तो ये जो आपको दिख रही है गट्टी, ये इंद्राणी राइस है। इसे सबसे पहले इसकी जो बीज होती है उसे खेत में एक हिस्से में लगा के छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर ये जंगली घास की तरह काफ़ी तेज़ी से उगता है और कुछ इस तरीके का नज़र आने लगता है। उसके बाद फिर इसे निकाला जाता है जैसा कि हमने देखा, और निकालने के बाद इसे ये यहाँ पर इस एरिया में लेके आते हैं खेत के, जहाँ पर सिस्टमैटिक वे में इसे लगाया जाता है। तो जैसे ये रहा, अब अगर इसे मुझे लगाना है तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एकदम अच्छे से लगाए इन्होंने। तो मैं इसे ऐसे लूँगा और इसे अंदर तक छोड़कर मिट्टी में, फिर दूसरा गुच्छा लेकर इसी तरीके से आगे करते रहूँगा। और ये लोग तो काफ़ी स्पीड में लगाते हैं इसको। तो ये लगाया हुआ है मेरा राइस, और अगर आप देखेंगे खेत में पूरा दूर दूर तक काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा राइस को लगाया गया है। और इंद्राणी राइस बहुत ही खुशबूदार होता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। सिर्फ बासमती मत खाइए, महाराष्ट्र आइए तो दूसरे तरीके के जो चावल है उनको भी खाकर उनका मज़ा लीजिए। और हाँ, जब हम इस धान को काटेंगे तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कम हेयर और फिर हम इसके काटने का और दाना निकालने का प्रोसेस भी ज़रूर देखेंगे, और हाँ मौका मिला तो उसे खाएंगे भी बनाकर। तो ये था पूरा प्रोसेस एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि कैमरा भी भीग गया, ड्रोन भी भीग गया, बारिश में ही उड़ा दिया मैंने, बट दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग वीडियो आई हैव एवर शॉट। इसी तरीके की कंटेंट बनाने में मज़ा आता है। आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।